आगे पटना से बड़ी खबर है, जहां पे फिक्सेशन के नाम पर धांधली हुई है। जमुई में बड़े खेल का खुलासा हुआ है, बड़ा खेल उजागर हुआ है। छठे चरण में बहाल शिक्षकों के साथ मनमानी की बात तो सामने आई है। डीपीओ स्थापना पर मनमानी का आरोप लगा है। एक ही तरह के शिक्षकों का अलग अलग इंडेक्स पर फिक्सेशन हुआ। एक ही साथ बहाल शिक्षकों की अब दो प्रकार की सैलरी बताई गई है। सोनो चकाई गिद्धौर में इंडेक्स 3 पर फिक्सेशन हुआ। वहीं झाझा लक्ष्मीपुर और अलीगंज में इंडेक्स 2 पर फिक्सेशन कर दिया गया। 125 में बहाल हुए सभी शिक्षकों का फिक्सेशन होना था। फिक्सेशन के नाम पर भारी अनियमितता सामने आ रही है। कुछ ब्लॉक में 125 बीएड शिक्षकों का अब भी फिक्सेशन नहीं हुआ है। बीआरसी से लेकर डीयू ऑफिस तक बिना पैसे का काम नहीं हो रहा। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, फिक्सेशन को लेकर के क्या अनियमितता सामने आई है? देखिए, लगातार जो 125 में बहाल जो बीएड शिक्षक हैं वो फिक्सेशन का इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां से शिकायतों की भरमार है और शिक्षा विभाग को भी जानकारी मिल रही है। जमुई से जो मामला सामने आया है, इसमें डीपीओ स्थापना ने दो तरह के इंडेक्स पर जो है फिक्सेशन कर दिया है। यानी झाझा, लक्ष्मीपुर, अलीगंज, ये ऐसे जगह पर है जहाँ इंडेक्स 2 पर जो है फिक्सेशन किया गया है। ये और इसके साथ साथ जो बाकी कई ऐसे प्रखंड है जहां पर इंडेक्स 3 पर कर दिया गया है। ऐसे में दो तरह की सैलरी को लेकर शिक्षक परेशान है। बता दें आपको कि फिक्सेशन को लेकर लगातार शिक्षा विभाग का भी इंतजार किया जा रहा है, कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। 22,600 इंडेक्स 3 है, जबकि 21,940 इंडेक्स 2 है। ऐसे में जो मूल वेतन है, इसके साथ साथ एचआरए सभी मिलकर जो है एक तरह से कहा जाए काफी अंतर हो जाता है दोनों शिक्षकों में। जबकि एक साथ बहाल हुए हैं, एक ही तर्ज पर बहाल हुए हैं, तो डीपीओ स्थापना की मनमानी सामने आई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बिना पैसे का कहीं फिक्सेशन नहीं हो रहा है। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा या जो दलाल होता है ब्लॉक से लेकर जो डीपीओ स्थापना तक, वहां पर आरोप लग रहा है शिक्षक हैं परेशान हैं। पैसे जो है 2,500 से 3,000 रुपए लेने के बाद भी फिक्सेशन नहीं किया जाता। कई ऐसी शिकायतें मिली है न्यूज 18 के पास भी। और बता दें जमुई में यह खुलासा हुआ है जहां पर दो तरह का फिक्सेशन किया गया है और दोनों एक ही तर्ज पर शिक्षक बहाल हुए हैं और दोनों की सैलरी अब अलग अलग होगी। इसके अलावे जो कई ऐसे प्रखंड है जहां पर शिक्षकों का फिक्सेशन हुआ ही नहीं है क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। तो ये सवाल है और लगातार इस सवाल का जवाब न्यूज 18 पूछ रहा है। कई ऐसे बिहार के जिले हैं, प्रखंड हैं, जहां अब भी शिक्षक जो है इंतजार में है, क्योंकि जो प्रोबेशन पीरियड है खत्म हो गया था फरवरी माह में ही और मार्च के बाद ही फिक्सेशन होना था। अभी सितंबर माह है, अभी भी लगभग 40% ऐसे टीचर हैं जो 125 में बीएड में बहाल हुए थे, शिक्षक बने हैं, लेकिन उनका फिक्सेशन नहीं हुआ। राहुल, चलिए शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका।